हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मुतंजन, या फिर आप इसको रंगीन जर्दा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सेला चावल लिए हैं 4 गिलास। इनको मैंने 3 घंटे पानी में भिगो के रखा था, तो अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया है इसको बॉईल करने के लिए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से, मतलब पूरा आपने चावल को कुक कर लेना है। और यहाँ पर मैंने चीनी ली है 3 गिलास, और इलायची ली है 5 अदद, घी लिया है 2 टेबलस्पून, एंड आलमंड को मैंने उबाल लिया था और छील लिया था, और पिस्ते चाहिए, चमचम चाहिए हमें 1 कप, और कलाकंद चाहिए। अगर आपके पास कलाकंद नहीं है तो आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका भी प्रोसेस दिखा रही हूँ इस वक्त। ये देखें, ये उबल रहे हैं, ये देखें आराम से ये हाथ से टूट रहा है, बस मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। तो मैं थोड़े से चावल जो है एक अलहदा बॉल में निकाल रही हूँ, और उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, और बिल्कुल 1 टीस्पून इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। तो एक पैन में आपने घी डालना है, और उसमें उसको थोड़ा सा इलायची उसके अंदर डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेना है। इसके बाद आपने इसमें चावल की लेयर एक बिछानी है, बिल्कुल थोड़ी सी लेयर, ज़्यादा नहीं आपने बिछानी है, थोड़ी सी चावलों की लेयर। उसके बाद आपने 1 लेयर चीनी की बिछानी है। इसके बाद आपने इस पर पिस्ते डाल देने हैं, बादाम डाल देने हैं, और कलाकंद डाल देनी है। चमचम डालेंगे इस पर, आधी चमचम डालेंगे, आधी हम बाद के लिए बचा के रखेंगे। तो वही प्रोसेस हमने दोबारा से रिपीट करना है। तो इसके बाद जो हमने कलर करके जो चावल रखे थे वो मैं इसकी लेयर के ऊपर सबसे ऊपर बिछा दूंगी, और इसके बाद मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी। तो सबसे पहले आपने इसको 10 मिनट के लिए जो है आपने हाई फ्लेम के ऊपर रखना है, और इसके बाद 10 मिनट के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो ये देखें, 45 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया था, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। कलर बिल्कुल भी नहीं फैला, क्योंकि मैंने चावल में ही कलर अलग से ऐड कर लिया था। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारा मुतंजन या कलर जर्दा तैयार है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के बारे